नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे अभिषेक बच्चन की जबरदस्त फिल्म दसवीं, जो कि आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त बुचाल मचाए हुए है, धमाल मचाए हुए है, कमाल मचाए हुए है, कुछ भी आप बोल लीजिए। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फिल्म इस समय नेटफ्लिक्स इंडिया पर नंबर वन पोजिशन पर ट्रेंड कर रही है। वहीं दोस्तों अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो नेटफ्लिक्स पर ये करीब 18 देशों में ये फिल्म टॉप 10 ग्लोबल मूवीज की लिस्ट में अपना स्थान बनाई हुई है, और वो भी नंबर वन पोजीशन पर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो नेटफ्लिक्स है उसके करीब 22 करोड़ पेड सब्सक्राइबर्स है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा लीजिए कि दसवीं फिल्म को अब तक कितने व्यूज मिल चुके होंगे। दोस्तों ये फिल्म व्यूज के मामले में काफी आगे निकल चुकी है। हालांकि दोस्तों अभी नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल रूप से ये जानकारी नहीं दी है कि दसवीं फिल्म अब तक कितने व्यूज हासिल कर चुकी है। दोस्तों जैसे ही मेरे को इस बारे में अधिकृत जानकारी मिलेगी मैं आपको अपने चैनल पर ये जानकारी जरूर दूंगा। लेकिन दोस्तों इतना जरूर तय हो गया है कि इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर जबरदस्त प्यार और समर्थन मिल रहा है, और ये फिल्म दर्शकों के द्वारा काफी पसंद की जा रही है। और दोस्तों ये फिल्म ऑलरेडी सुपरहिट हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात मैं आपको अपने चैनल पर कह सकता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि लेकिन कुछ क्रिटिक्स ऐसे हैं जिनको इस फिल्म की सफलता पच नहीं रही है, जच नहीं रही है, और दोस्तों वो फिल्म की बुराई करने में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों इन ऐसे क्रिटिक्स से फिल्म की सफलता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म की जो कहानी है वो प्रसिद्ध कवि, राष्ट्रवादी कवि कुमार विश्वास ने लिखी है, और इतने बेहतरीन डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे है। तो दोस्तों कमाल आर खान ने कुमार विश्वास को सलाह दी है, दसवीं फिल्म के राइटर जो कुमार विश्वास है, कवि कुमार विश्वास है, उनको सलाह दी है कि आपको कविता का शौक है, आप कविता ही करिए, क्योंकि आपका काम कविता ही करना है, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखना नहीं है, क्योंकि आपने एक बहुत ही बेकार स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत ही बेकार कहानी लिखी है। तो दोस्तों आप इस बात से कहां तक सहमत है? कमेंट बॉक्स में कमाल आर खान के खुद के व्यूवर्स ने ही उनके इस बयान की धज्जियां उड़ा दी, और उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि सर दसवीं एक बहुत ही शानदार, माइंड ब्लोइंग और मास्टरपीस मूवी है, आपको ये फिल्म कैसे पसंद नहीं है ये आप ही जानते हैं, आपने तो आर 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 को भी फ्लॉप फिल्म बताया था और उसका बहुत बुरा रिव्यूज दिया था, लेकिन वो फिल्म ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है, तो आप ये ऐसा बुरा रिव्यू क्यों दे रहे हो? क्या आपकी अभिषेक बच्चन से कुछ दिनों पहले ट्विटर पर वार हो गई थी, झड़प हो गई थी, उसका बदला ले रहे हैं, या आपको कुमार विश्वास से कोई प्रॉब्लम है, या उनसे कोई मन मुटाव आपका है? इस तरह के कमेंट्स कमाल आर खान को अपने ही व्यूअर्स से सुनने को, देखने को लिखे हुए मिल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा हाल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुमार विश्वास ने दसवीं फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी लिखी है, दर्शकों को ये कहानी बहुत पसंद आ रही है, और दोस्तों इसके डायलॉग कितने बेहतरीन है, आपने भी फिल्म देखी होगी, आप भी जानते हैं दोस्तों फिल्म का एक डायलॉग जो कितना पावरफुल डायलॉग है, जिसमें अभिषेक बच्चन कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत। तो दोस्तों ये कितना मतलब जबरदस्त एक करारा व्यंग है ऐसा उन भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों पर जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि फिल्म के सारे ही डायलॉग बहुत ही अच्छे है। अब दोस्तों फिल्म जो चल रही है उसमें हर एक करेक्टर अपने आप में लाजवाब है, सभी कलाकारों का जो करेक्टराइजेशन है बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है, चाहे वो अभिषेक बच्चन का करेक्टर हो कि किस प्रकार वो पहले एक रोबीले अंदाज में आते हैं, भ्रष्ट है और किसी की सुनते नहीं है, किसी की बात मानते नहीं है, घमंड से भरे हुए है, और बाद में किस प्रकार उनका करेक्टर चेंज हो जाता है, और दोस्तों जब उनको यामी गौतम शिक्षा देती है तो वो उसको गुरु मान करके उनके पैर भी छूती है। ये सीन आपको दिल को छू लेने वाला है, हार्ट टचिंग सीन है दोस्तों, ये फिल्म का बहुत ही इमोशनल सीन है। साथ ही जब अभिषेक बच्चन का दसवीं का रिजल्ट आता है वो सीन भी दोस्तों दिल को छू लेने वाला है, इमोशनल करने वाला है, आंखों में आंसू लाने वाला है। तो दोस्तों काफी जबरदस्त करेक्टराइजेशन, चाहे अभिषेक बच्चन हो, चाहे यामी गौतम का करेक्टर देख लीजिए, या विमला देवी के रूप में निमरत कौर का करेक्टर आप देख लीजिए कि किस प्रकार वो एक मुख्यमंत्री का रोल प्ले करती है, और किस प्रकार जो पहले बिल्कुल सीधी साधी भोली भाली एक साधारण सी महिला होती है वो किस प्रकार बदल जाती है मुख्यमंत्री बनने के बाद में। तो दोस्तों सारे करेक्टर अच्छे, यहाँ तक कि छोटे छोटे करेक्टर, चाहे वो घंटी का किरदार हो, घंटी जिसका रोल अरुण कुशवाहा ने किया है, अभिषेक बच्चन कहते हैं कि भगवान तो घंटी ही है, आपको याद होगा, बड़े जबरदस्त करेक्टर उनका है, किस प्रकार से वो मैथ पढ़ाते हैं अभिषेक बच्चन को, मजेदार है। इसके अलावा दोस्तों चाहे वो इनामदार का रोल हो, चाहे आईएएस ऑफिसर टंडन का रोल हो दोस्तों, और जहां तक लाइब्रेरी या रायबरेली उसके किरदार को आप कैसे भूल सकते हैं। तो दोस्तों छोटे छोटे किरदार को पकड़ करके रखा गया है, कुमार विश्वास ने काफी अच्छी तरह से फिल्म के कैरेक्टर्स को पकड़ा है, और फिल्म की स्टोरी लाइन है वो बहुत ही शानदार है, और जो
फिल्म की स्क्रिप्ट है वो भी काफी मजेदार है। तो दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, काफी फ्रेश है, फील गुड कराने वाली मूवी है, ऐसी मूवी कम बनती है। इसमें ना केवल शिक्षा के ऊपर मैसेज दिया गया है, ना केवल शिक्षा के ऊपर मैसेज दिया गया है, बल्कि शिक्षा कैसे प्राप्त करनी चाहिए बच्चों को ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपको वो जल्दी याद होंगे और ज्यादा अच्छी तरह से आप उसका आंसर लिख के आ सकते हो, ये भी इस फिल्म में बताया गया है। साथ ही दोस्तों जातिवादी व्यवस्था पर भी इस पे चोट की गई है फिल्म के अंदर। अभिषेक बच्चन जिस प्रकार से जो प्रेम कैदी था शायद उनका नाम, उनकी शादी करवाते हैं जेल के अंदर ही, अंतर जातीय विवाह दूसरी कास्ट से शादी करवाते हैं, वो भी एक बड़ा मजेदार, इसमें एक बड़ा मजेदार लगता है सीन, वो होता है काफी अच्छा सीन लगता है वो भी। तो दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के ये फिल्म बनाई गई है, ना केवल अंतर जातीय विवाह के बारे में इसमें बताया गया है, साथ ही दोस्तों शिक्षा के बारे में, राजनीति के ऊपर व्यंग देखने को मिलता है, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के ऊपर व्यंग मिलता है, साथ में जो मीडिया रिपोर्टर्स होते हैं, मीडिया रिपोर्टर्स भी आपको याद होगा जिस प्रकार से वो मीडिया रिपोर्ट करता है, इसे भी आपको पता चलता है कि मीडिया में किस तरह से क्या चलता है, किस तरह से किस छोटे से मामले को किस प्रकार से हाईलाइट किया जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार ये फिल्म है दोस्तों, और इसी कारण यही एक कारण है कि फिल्म इतनी जबरदस्त हिट हो रही है, इतनी जबरदस्त दर्शकों के द्वारा पसंद की जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जैसे ही मेरे पास 10वीं से संबंधित और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, व्यूज के बारे में पता चलता है, मैं आपको अपने चैनल पर लगातार जानकारी देता रहूंगा। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।